ये जो हम आज तीन रत्न और पंचशील करेंगे इसको हिंदी में करेंगे, क्योंकि पाली में आपको समझ में कम आए या ना आए, कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, क्योंकि ये कोई बुद्ध का धम्म या बुद्ध का धर्म या बुद्ध का आडंबर नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध प्रक्रिया है। कार्यक्रम को हम स्टार्ट करेंगे, कोई आदमी ये अपने दिल में बात ना लेके आए कि हम कोई बुद्ध के धर्म से कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। बुद्ध को जानने के लिए पाली में लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हिंदी में भंते जी ने अनुमति दी है। पहला है नमो तस्य भगवतो, इसका मतलब है आप सभी इस बात को अनुसरण करेंगे कि ऐसे प्रबुद्ध आदमी को, ऐसे बुद्धिमान आदमी को, ऐसी बुद्धि को जो यहाँ हमारी सारी विरासत में वो बुद्धि भरी हुई है, ऐसी बुद्धियों को जो जीते जी जिन्होंने दुख को दूर कर दिया, जीते जी जिन्होंने राग को खत्म कर दिया, राग का मतलब जो लालच होता है उसको खत्म कर दिया और द्वेष को खत्म कर दिया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। और ऐसा वो तीन बार कहते हैं, आप मन में मान के चले, तीन बार इसलिए कहते हैं कि पहले जो बात आती है वो मन में आती है तो मन के लिए होता है, फिर वचन में आती है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो दूसरी बार वचन के लिए होता है, और तीसरी बार वो हमारे कर्म में, यानी कि हम शरीर से जो कर्म करते हैं उसमें आती है, तो तीन बार बोलता है। इसलिए नमो तस्से जो पाली में दिया गया है इसका सीधा सा मतलब है हम तीनों बात जो तीन चरण है इसको लेते हैं। उसके बाद में तीन रत्न आते हैं, जो पहला रत्न है अगर आप लोग बोलना चाहें तो बहुत ध्यान से बोल सकते हैं, इसका बहुत ही फायदा होता है। एक बार बोलेंगे, तीन बार में मतलब बताऊंगा। बुद्धं, बोलिए सारे मिलके बुद्धं, बुद्धं, बुद्धं बोलना है, मैं नहीं बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसा तीन बार बोला जाता है। इसका मतलब है कि मैं उस सर्वोच्च बुद्धि की अनुसार, शिक्षा के अनुसार, शरण के अनुसार जाता हूँ, बुद्ध व्यक्ति के पीछे नहीं जाता हूँ, ये तीन बार बोला जाता है। फिर बोलिए धम्मं शरणं गच्छामि, इसका मतलब है कि दुनिया के जितने प्राकृतिक नियम हैं उनके लिए मैं उनके अनुसरण करता हूँ, उनकी शिक्षा लेता हूँ, तीन बार मन से, कर्म से और वचन से। फिर आता है संघं, बोलिए संघं शरणं गच्छामि, इसका मतलब है कि जो ये संघ भगवान बुद्ध ने बनाया था, जिसके भिक्षु सदस्य हैं और ये सारे लोग जो संघ के सदस्य थे, ऐसा संघ जो सम्यक बात करता है, बात सभी करते हैं मगर जो सम्यक करता है, सही बात करता है, और वो सही बात जो धर्म के अनुसार होती है, यानी कि प्राकृतिक नियम के अनुसार होते हैं, मैं उसी के साथ जाऊंगा, बातें बहुत होंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो तीन बार जाएंगे, एक बार हम जाएंगे मन से, एक बार वचन से और एक बार कर्म से। उसके बाद सारा जो बुद्ध ने, यानी जितने भी जानकार लोग हुए, ये भी थोड़े थोड़े सारे बुद्ध लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सबने अपनी बुद्धि जागृत की है, ऐसे बुद्धि लोग, बुद्धिमान लोगों ने पांच बातें हमें बताई हैं जो वातावरण शुद्ध करने के लिए है। बुद्ध के द्वारा बताया गया है पारातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाद्यं, दूसरा बताया गया है अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाद्यं, तीसरा सील बताया गया है पाली में कामे सुमिच्छाचारा वे रमणी शिक्षा पदं समाद्यं, फिर चौथा सील बताया गया है पाली में आप लोगों के सबके लिए मूसा वाधा वे रमणी शिक्षा पदं समाद्यं, फिर पांचवा सील बताया गया है सूरा वेरे मज्ज पमादठाना वे रमणी शिक्षा पदं समाद्यं। पूरा का पूरा जो बुद्ध का नियम, यानी बोधि का, सर्वोच्च ज्ञान का नियम, बुद्ध ने एक शब्द में समेटा, पूरे एक शब्द में, और वो कहते हैं एवरीथिंग इज माइंड, जो कुछ है मन है। 42 साल तक आदमी को, मेरे जैसे आदमी को ये समझ नहीं आया कि मन और मस्तिष्क अलग अलग होते हैं। तो श्रीलंका के एक भिक्कू से मेरी बात, मेरे दोस्त हैं, उनसे होती रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि मन और मस्तिष्क अलग अलग होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं एवरीथिंग इज माइंड नॉट ब्रेन, ब्रेन नहीं है, ब्रेन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज माइंड। बहुत सारे लोगों को जीवन में ये पता ही नहीं चल पाता कि मन अलग है और मस्तिष्क अलग है, यानी दिमाग अलग है, वो समझते हैं कि मन और मस्तिष्क एक ही है। ये बुद्ध ने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि जो साधारण से साधारण मनुष्य है, जिसको अपना जीवन ठीक करना है, वो सिर्फ पांच बातों के अंदर सार है, पांच बात मान। इसीलिए ये पंचशील पूरी दुनिया में चलता है, आपने पंच मार्ग देखा होगा, पंचशील और पंच के जितने सिद्धांत हैं, यानी जो भी पंच से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा बुद्ध से जुड़ा हुआ होता है।
तो पहला नियम बताते हैं जो कि यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल जो पूरी दुनिया के मनुष्य पे लागू होता है। कहते हैं कि बिना मांगे बिना दिए कोई चीज नहीं लेगा, ऐसा पाली में बोलते हैं। तब चोरी बढ़ नहीं होता था, तो बिना मांगे कोई चीज ना हो पहली प्रतिज्ञा ऐसी होती है। फिर वो कहते हैं कि आप अहिंसा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, किसी का जान ले लेंगे, चाहे जानवर है चाहे कोई भी है। तो कई बार हमारी बिच्छू से बात होती है तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम अपना हमारा सिपाही किसी को मारता है तो क्या हम उसकी जान न लें? तो कहते नहीं, यूनिवर्सल नियम कहता है कि मनुष्य मनुष्य की जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसे उतना ही नुकसान होगा जितना नुकसान वो यहाँ जान लेने में होता है, दोनों ही जान बराबर होती है। तीसरा कहते हैं कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि, यानी कि ऐसी इच्छा जो कि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, जो प्राकृतिक नियम में नहीं आती है, ऐसा अगर आपके अंदर कोई इच्छा आती है तो वो इच्छा आपने पूरी नहीं करनी है, वो आपको हमेशा नुकसान देगी, उसका आपको पे करना पड़ेगा। आपका फैमिली खराब हो, आपका पैसा खराब हो, आपका मन खराब हो, आपका बच्चा खराब हो, अगर वो कोई ऐसी इच्छा है जो धर्म के अगेंस्ट प्राकृतिक नियम के अगेंस्ट है तो वो आपको पूरी नहीं करनी है। फिर कहते हैं मूसा वादा वीरमणि, यानी कि जो सच के अतिरिक्त कुछ भी है, बहाना भी अगर बनाते हैं तो वो भी सच के अतिरिक्त है, वो भी नहीं कहना है। बड़ा सिंपल बोलते हैं सच के मूसा, यानी कि सच के अतिरिक्त कुछ बोलना ही नहीं है, जो भी बोलेंगे वो नुकसान देगा। और वो लास्ट में बोलते हैं ऐसा कोई भी पदार्थ जो आपको आपके शरीर की नेचुरल अवस्था से हटा दे, ऐसे पदार्थ का ग्रहण नहीं करना है। उस समय कॉफ़ी नहीं होती थी, मगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे तो वो भी आपको निकोटिन देगी। तो ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई पेड़ या ऐसी कोई चीज़ जो आपने याद की है उसमें सभी आते हैं, वो बड़े ज्ञानी थे। ऐसा नहीं है जो सुरा मेर मज्जा बोलते हैं कि सुरा का मतलब वो सुरा वाला पेड़ ही है या जो सुरा का मतलब शराबी, ऐसा नहीं है। वो कोई भी पदार्थ जो आपको प्राकृतिक चीज़ से हटा दे, ऐसा नियम तो हम सब लोग इस नियम को मानते हुए, ऐसा उस सर्वोच्च ज्ञान को मानते हुए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं।